एसएससी सीएचएसएल का जिनका भी एग्जाम नहीं हुआ है, उनको लास्ट 50 दिन में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये नहीं मैं बोलूंगा कि फिर से पढ़ना स्टार्ट करो, पूरा सिलेबस कंप्लीट करो, नहीं, आपको क्या पढ़ना है, आपको ये देखना है कि हाल फिलहाल के एग्जाम में एसएससी के द्वारा कंडक्ट जो करवाया गया उसमें क्या क्या आ रहा है, वो सब मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो में कल रात को आपको बताया है, आप वो वीडियो एक बार देख लेना या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, एक बार चेक कर लीजिएगा। और आज कवर करेंगे 14 से 18 जून के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर, ठीक है। और हाँ, आज 22 तारीख है तो 19 से 22 तारीख का करंट अफेयर भी आपको आज ही अपडेट कर दूंगा शाम तक, ठीक है ना। और चैनल के ऊपर जो भी नया है सक्सेस की 98 के ऊपर, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट आप सभी को मिलता रहे। और आप किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट दे सकते हैं हमारे एप्लीकेशन सक्सेस की 98 को डाउनलोड करने के बाद गूगल के प्ले स्टोर से, और डाउनलोड करने के बाद आप हर एक मॉक टेस्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में जो है वो दे पाएंगे, ठीक है। वित्तीय वर्ष 2020 और 21 के दौरान मनरेगा के तहत के लिए कितने राशि जो बोलते हैं कितना पैसा आवंटित किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा 2020 और 21 के लिए, क्योंकि आप सभी को पता है बहुत सारे मजदूर जो है वो अपने घर वापस लौटकर आ गए और काम को लेकर उनको कहीं ना कहीं किसी के ऊपर डिपेंड रहना है कोई रोजगार के ऊपर, तो रामबाण क्या है आपका अभी तो यही दिखाई दे रहा है मनरेगा। और इसके लिए जो राशि आवंटित की गई है वो है आपका 101,500 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर आपका सी, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, पूर्व केंद्र मंत्री रह चुके हैं, क्या नाम है, अर्जुन चरण सेट्टी, बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम, इनका हाल ही में निधन हो गया है, वह किस राजनीतिक दल से जुड़े हुए थे, तो यह भाजपा के एमपी रह चुके हैं, मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश में एक जगह है भद्रक, वहां से ये 8 बार सांसद रह चुके हैं, तो बहुत बड़ा नाम है पॉलिटिक्स के जगत में, नाम क्या है, अर्जुन चरण सेट्टी, याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश से 8 बार एमपी रह चुके हैं, तो मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो कैपिटल क्या है आपका, भोपाल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, और वहां के राज्यपाल कौन है, लालजी टंडन, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस राज्य की सरकार ने आजीविका के नुकसान से पीड़ित श्रमिकों को रोजगार दिलाना आसान बनाने के लिए एक ऑनलाइन श्रम रोजगार विनिमय शुरू किया गया है, किसके द्वारा, और यह बहुत अच्छा है, एक्चुअल में क्या है थोड़ा सा आप क्वेश्चन को समझ लेना, ये स्टार्ट किया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। अब बहुत सारे मजदूर इस कोरोना वायरस के वजह से अपने अपने राज्य में आ रहे हैं, अब आ रहे हैं तो सरकार के पास हर एक डाटा होना चाहिए कि कौन सा मजदूर हमारे राज्य में आया है जिसके पास रोजगार नहीं है, तो सरकार ने बोला है आप ऑनलाइन राजस्थान सरकार ने बोला है कि आप ऑनलाइन अपना डाटा जो है वो अपडेट करा दीजिए ताकि सरकार के पास एक डाटा रहेगा कि कितने मजदूर हैं और किनको कितना कितना रोजगार देना है, तो अच्छी बात है। और अगर बात करें राजस्थान के राजधानी क्या है, जयपुर, राज्यपाल कलराज मिश्रा और मुख्यमंत्री कौन है, अशोक गहलोत। अगला प्रश्न हमारे सामने है, कर्नाटका सरकार के द्वारा बेंगलुरु में बारिश बाढ़ पर वास्तविक समय की जानकारी के लिए लॉन्च किए गए एप्लीकेशन का नाम बताना है, तो बहुत अच्छा बात है, आप सभी को पता है अगर बारिश आता है या बाढ़ आ जाए ना तो उसकी जानकारी जो है वो दे दी जाएगी, अगर बेंगलुरु में अगर ऐसा कुछ आता है तो। अब ये जानकारी जो है वो किस एप्लीकेशन के माध्यम से पहले दी जाएगी, उस एप्लीकेशन का नाम याद रखिएगा, उस एप्लीकेशन का नाम है मेघा संदेश एप्लीकेशन, ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर आपका सी, ठीक। और कर्नाटका का राजधानी क्या है, बेंगलोर, मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा और राज्यपाल कौन है, वजूभाई वाला। अगला प्रश्न हमारे सामने है, आप सभी को पता है बहुत सारे राज्य जो है वो एग्जाम कैंसिल कर रही है क्योंकि अब बच्चे स्कूल जा नहीं सकते, और बहुत सारे पेरेंट्स ये बोल रहे हैं
कि बच्चों का स्कूल अगर खोला जाएगा उससे पहले पार्लियामेंट खोला जाए, पहले विधायक जितने भी है, जितने भी सांसद है, वो पहले पार्लियामेंट में जाए, लोकसभा में जाए, राज्यसभा में जाए, उसके बाद हमारे बच्चे स्कूल में जाएंगे। उनका भी कहना सही है कि बच्चे के ही जान का बाजी क्यों लगाया जाए, पहले नेता अपने जान के बाजी लगाए। तो कहने का मतलब है कहां पर यह बोला गया है कि क्लास 10 और 11 की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है, और रद्द मतलब कैंसल्ड कर दिया गया है, और जो भी स्टूडेंट क्लास 10 और क्लास 11 में है ना उनको प्रमोट कर दिया गया है सीधे सीधे अगले क्लास के लिए। कहां पर? तो यह किया गया है तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर डी। और तमिलनाडु का राजधानी क्या? चेन्नई है। राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित, और वहां के मुख्यमंत्री इडापड्डी के पलानीस्वामी, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, और एक बात, जो भी करंट अफेयर मैं आपको डेली पढ़ा दे रहा हूं ना, आप देखो नोट्स रखना भाई। अब ये नहीं बोल सकते कोई टीचर अगर बोलता है किसी भी एग्जाम से पहले 200 क्वेश्चन पढ़ लो, 100 क्वेश्चन पढ़ लो टॉप, तो उसके ऊपर देखो वो तो करता नहीं हूं। मैं बोलता हूं डेली का 10 से 12 क्वेश्चन पढ़ो, महीना में 400 क्वेश्चन हुआ, 6 महीना में 2400 क्वेश्चन पढ़कर जाना, ताकि एक भी क्वेश्चन छूटे ना। उस ऐसे बनकर जाओ कि तैयारी पूरा भैया कट टू क्लियर कट है, 100 200 300 वाले क्वेश्चन पर नहीं जा रहा हूं, ठीक है? कि आया तो आया, नहीं आया तो मेरा कुछ नहीं जाएगा, जाएगा तो बच्चों का। अगला क्वेश्चन है, फोन पे ने किस कंपनी के साथ मिलकर घरेलू ट्रिप बीमा योजना शुरू की है? तो ICICI लोम्पार्ट से साथ मिलकर किसने, फोन पे एक वैलेट है डिजिटल पेमेंट, आई थिंक सभी के फोन में ये जरूर होगा ये एप्लीकेशन। अच्छा, फोन पे के सीईओ कौन है? याद रखिएगा समीर निगम, ठीक है? अगला प्रश्न हमारे सामने है, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी जो है वो जियो प्लेटफॉर्म में 5684 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। ये जो 5684 करोड़ का निवेश है वो कितने प्रतिशत के बराबर है? तो 1.16% के बराबर, ऑप्शन नंबर बी। अभी जियो में भी ना आप बोल सकते हो 17-18% शेयर जो है वो विदेशी कंपनी आ चुकी है जियो में भी, ठीक है? अलग से जो है वो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। और यहां पर बात करूं अबू धाबी कहां पर पड़ता है, तो आप सभी को पता है यूएई में पड़ता है, और यूएई के राष्ट्रपति का नाम क्या है? खलीफा बिन जायद अल नयान। कैपिटल राजधानी अबू धाबी, और मुद्रा क्या है? तो वहां पर मुद्रा इस्तेमाल करते हैं धीरम, ठीक है? अगला प्रश्न हमारे सामने, हाल ही में किस कंपनी ने ई शॉप नाम से एक पूरी तरह से डिजिटल ऑनलाइन बिक्री मंच लॉन्च किया है? यानी जो ये नाम दिया गया ना ई शॉप, जो ई शॉप नाम दिया गया है यहां पर क्या होगा? हीरो मोटो को, ऑप्शन नंबर आपका डी, यानी हीरो कंपनी के द्वारा ये ऑनलाइन खोला गया है दुकान, जहां से, और ये पूरी तरह से खोला गया है, जहां से आप ऑनलाइन बाइक वगैरह जो है वो खरीद सकते हैं। और हीरो के सीईओ कौन है? पवन मुंजाल। याद रखिएगा, मैं सीईओ भी पढ़ा रहा हूं क्योंकि एग्जाम में देख पा रहा हूं कि आजकल सीईओ भी पूछ रहा है, तो ये सब चीज डेली आपको मिलेगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, जिनमास्ट कॉट थॉमस जिनका हाल ही में निधन हो गया है वो किस देश से संबंधित थे? ये दिखाई दे रहे आपको ना, जिनमास्टमिक में यह पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने अमेरिका को गोल्ड मेडल जिलाया था ओलंपिक में। याद रखिएगा ये बात भी, तो बहुत बड़ा नाम है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि जो जिमनास्ट थे कॉट थॉमस जिनका हाल ही में निधन हो गया है वह किस देश से, किस राष्ट्र से संबंधित थे? तो आप क्या बोलेंगे? अमेरिका, ठीक है? और अमेरिका के बारे में ज्यादा आपको बताना नहीं है, आप सभी को पता है मुद्रा डॉलर है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, और राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी। थोड़ा जल्दी कराऊंगा क्योंकि 5 दिन का करंट अफेयर है, ठीक है ना? अगला प्रश्न हमारे सामने, जम्मू कश्मीर के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और एक बात, आप सभी को पता है केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और दोनों का जो उच्च न्यायालय है वो एक ही जगह है। तो याद रखिएगा कि जिनको न्यायाधीश बनाया गया है उनका नाम क्या है? उनका नाम है इकबाल वानी जावेद, इनका पूरा नाम है जावेद इकबाल वानी, ऑप्शन नंबर आपका सी।
अगर बात करूं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू, और लद्दाख का राधा कृष्णा माथुर, ये सब आपके मुंह के ऊपर होना चाहिए था। अगला प्रश्न हमारे सामने है गूगल क्लाउड के वरिष्ठ निदेशक के रूप में किसे चुना गया है। गूगल क्लाउड का वरिष्ठ निदेशक किसे चुना गया है, फोटो में कौन दिखाई दे रहा है, अनिल वलूरी, ऑप्शन नंबर आपका डी। अगला प्रश्न हमारे सामने है प्रतीक त्रिडोकर नाम के एक 23 वर्ष का लड़का है जो महाराष्ट्र का है, यह भी याद रखिएगा। क्या नाम है, नाम है आपका प्रतीक त्रिडोकर, ये 23 साल का एक बंदा है जो महाराष्ट्र का रहने वाला है, जिसने जो भी कोरोना वायरस संक्रमित पेशेंट है उनके लिए क्या बनाया है, एक इंटरनेट से नियंत्रित करने वाला रोबोट, जिसके सहायता से आप सभी को पता है आज के डेट में जितने भी मरीज है कोरोना वायरस के उनके पास जाने से डर रहता है कि उनको भी लक्षण ना हो जाए जो उनके संपर्क में जा रहे हैं, ठीक है ना। तो यह बंदा जो है जो आपके सामने दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर, इसने एक रोबोट बनाया है, ये है देखो, अगर आप थोड़ा अच्छे से देख पाएंगे पानी वगैरह भी मिल रहा है, दवा वगैरह सब यहां पर मिलेगा, और ये रोबोट को जो है वो इंटरनेट से कंट्रोल किया जाएगा, यानी मरीज के पास जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये बंदा कहां का है, तो यह है आपका महाराष्ट्र का, ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला प्रश्न हमारे सामने, हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या है, तो भारत को रैंक दिया गया है 168, ठीक है। और टॉप पर कौन सा कंट्री है शीर्ष पर, तो शीर्ष पर भी कंट्री का नाम याद रखना है एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में, तो टॉप पर कौन है, क्या नाम लिख रहा हूं मैं नाम लिख रहा हूं आपका डेनमार्क, ये टॉप पर है, इंडिया का रैंक 168 और डेनमार्क के जो प्रधानमंत्री है उनका नाम क्या है, उनका नाम है मेटे फ्रेडस्किन, और राजधानी कोपेनहेगन, और मुद्रा इस्तेमाल होता है डेनिस क्रोन, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है सलवा नसेर 400 मीटर विश्व चैंपियन रह चुके हैं, उन पर 12 महीने का अवधि के द्वारा परीक्षण के लापता होने के लिए प्रतिबंध लगाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा एक बात कि ये जो नाम दिखाई दे रहा है ना सलवा इद नसीर, इन्होंने 400 मीटर में वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं, और ये तीसरे व्यक्ति हैं 400 मीटर में जिन्होंने सबसे जल्दी ये रेस पूरा किया है, यानी तीसरे नंबर पर रहे, इनके ऊपर 12-12 महीना का 2 बार बैन लगाया गया है, यानी सीधे सीधे बोल सकते हो 2 वर्ष का बैन इनके ऊपर लगाया गया है, ठीक है। अगर एग्जाम में मान लो कभी कबाल आपसे पूछ दे कि 400 मीटर के रेस में सबसे जल्दी ये रेस किसने पूरा किया है, सबसे जल्दी, तो आपका आंसर क्या होगा, ये 43.03 सेकेंड के अंदर, यह कहां के रहने वाले हैं भैया, तो साउथ अफ्रीका के, ये मेन में। अगर महिला की बात करें तो 400 मीटर की रेस में सबसे जल्दी किसने दौड़ा है वर्ल्ड में अभी तक, तो उसका नाम है मार्टिया कोच, ये कहां की रहने वाली है, जर्मनी की। इन्होंने ये रेस कितने में पूरा किया है, 47.60 सेकेंड में, ठीक। अगला प्रश्न हमारे सामने, निम्नलिखित में से किस राज्य ने थैंक्स मॉम नाम से वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है, यानी पौधा प्लांट को जो है वो ज्यादा से ज्यादा इस पर ध्यान दिया जा सके, ज्यादा से ज्यादा लोग पेड़ लगा पाए, हरियाली हो पाए हमारे अगल बगल, इस पर इसके लिए किस राज्य ने थैंक्स मॉम नाम से एक अभियान स्टार्ट किया है, तो यह स्टार्ट किया गया है मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा, ऑप्शन नंबर आपका डी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, हाल ही में नासा विशिष्ट लोक सेवा पदक से किसे सम्मानित किया गया है, तो उनका नाम है रेनीजीत कुमार, ऑप्शन नंबर आपका डी। और एक बात, नासा का गठन कब हुआ था, 1 अक्टूबर 1958 में। नासा का हेड कौन है अभी, तो जिम ब्रंडस्टाइन,
नासा का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी जो अमेरिका में पड़ता है, ये चीज आपको याद रखना है बार बार। अब ये नहीं कि एग्जाम के टाइम यूएनडीपी, वर्ल्ड बैंक, तो नासा, तो आईएमएफ, इन सब के बारे में पढ़ रहे, करेंट अफेयर में डेली ये पढ़ो, देखो याद हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, कौन सा राज्य देश में शीर्ष गेहूं उपार्जन करने वाला बन गया है और लगभग 25,000 रुपए, अच्छा 25,000 करोड़ रुपए में पंप कर सकता है। यहां पर रुपए के आ गए ना, करोड़ जोड़ लीजिएगा, ठीक है। कौन सा राज्य है सबसे ज्यादा गेहूं का प्रोड्यूस करने वाला, लगभग 25,000 करोड़ रुपए का, तो मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हमारे सामने, विप्रो ने किस कंपनी के साथ मिलकर ग्राहकों को अपनी क्लाउड जर्नी को तेज करने और हाइब्रिड क्लाउड की ओर बढ़ने में मदद की है, आईबीएम के साथ मिलकर। अगला प्रश्न हमारे सामने है, विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक ने कोरोना वायरस स्थिति से निपटने के लिए किस राज्य सरकार को 1950 करोड़ रुपए की लोन की सहायता की है, पश्चिम बंगाल को किया गया है इतने रुपए का सहायता वर्ल्ड बैंक के द्वारा, और वर्ल्ड बैंक के राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति बोल रहा हूं, अध्यक्ष कौन है, तो वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष है आपके डेविड मालापास। गठन कब हुआ था, 1944 को, हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है, और कैपिटल क्या है वेस्ट बंगाल का, तो आप बोलेंगे कलकत्ता। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्यपाल जगदीप धनकर। अगला प्रश्न हमारे सामने है, एक विधायक है, इनका नाम क्या है, इनका नाम है आपका जे अंबाजगन, इनका निधन हो गया है, ये किस राजनीतिक दल से संबंधित थे, तो डीएमके, पता है कहां की पार्टी है, तमिलनाडु का, याद करिए थोड़ा ध्यान से, डीएमके, करुणानिधि के पार्टी के हैं ये, ठीक है, आपको दिखाई भी दे रहा होगा चेहरे में। अगला प्रश्न हमारे सामने, किस राज्य की सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए पार्क, यानी जितने भी पार्क होते हैं ना, और उद्यानों की विकास के लिए पंचवटी योजना शुरू की है। ये पंचवटी योजना के तहत क्या होगा भैया, देखो इसके अंडर क्या होगा ना, देखो मान लो बहुत सारे बुजुर्ग व्यक्ति जो है, सीनियर सिटीजन जो है, वो गार्डन वगैरह में हमेशा जाते टहलने के लिए, अगर गार्डन में पेड़ पौधा नहीं रहेगा, हरियाली नहीं रहेगी, तो उनके जाने का मतलब क्या रह जाएगा, तो इस सब चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया जा सके, इसीलिए पंचवटी योजना स्टार्ट की गई है, और यह शुरू किया गया है हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। और हिमाचल प्रदेश का राजधानी शिमला हो, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, और राज्यपाल कौन है, बंदारू दत्तात्रेय, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस कंपनी ने 8 गीगावाट की परियोजनाओं को विकसित करने के लिए $6 बिलियन यानी लगभग लगभग आप मान सकते हो 45,000 करोड़ रुपए की दुनिया की सबसे बड़ी सौर परियोजनाएं शुरू की है, अदानी ग्रीन के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी, नाम तो सभी जानते होंगे अदानी, गुजरात वाले। अगला प्रश्न हमारे सामने, भारत किस राष्ट्र के विजय दिवस में भाग लेने के लिए एक त्रिसेवा सैन्य टुकड़ी भेजिएगा, तो रसिया। 24 जून को क्या है, नेशन विक्ट्री डे है, किसका, रसिया का, यानी आर्मी अपना तीनों सेवा को जो है वो कहां भेजेगा, रसिया भेजेगा, ठीक है। और रसिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, राजधानी मॉस्को, और मुद्रा क्या इस्तेमाल होता है, रशियन रबल। अगला प्रश्न हमारे सामने, किस बैंक ने अपने लोन परिचालन को पूरी तरह से डिजिटलकरण का निर्णय लिया है, यानी अब किस बैंक में लोन जो है वो डिजिटल यानी ऑनलाइन रूप से ले सकते हैं, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में, ऑप्शन नंबर आपका ए। और करेंट अफेयर में ये सब पॉइंट याद रखना है, ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा का टैगलाइन क्या है, इंडिया इंटरनेशनल बैंक, हेडक्वार्टर अलकापुरी में इसका मुख्यालय है, जो बड़ोदरा में पड़ता है, और चेयरमैन कौन है बैंक ऑफ बड़ौदा के, तो हसमुख अधिया, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है,
भारत जो है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में रैंक क्या है भारत का, तो इंडिया का रैंक है 43 ऑप्शन नंबर बी, और सिट्स पर है आपका सिंगापुर। अगला प्रश्न हमारे सामने, यूरोपियन संघ के जन विरोधी प्राधिकरण ने किस तकनीकी दिग्गज के खिलाफ मामला खोला है? यूएन ने, यूरोपियन यूनियन ने, एप्पल के द्वारा, सेब हो गया है यहां पर, एप्पल कर लीजिएगा जो फोन की कंपनी है उसके द्वारा। अब हुआ क्या है थोड़ा समझ लीजिए। देखो जैसे एंड्रॉइड का अपना प्ले स्टोर है, गूगल प्ले स्टोर, उसी तरह एप्पल का भी अपना प्ले स्टोर है। अब एप्पल के ऊपर जितने भी, जैसे मान लो गूगल का जो प्ले स्टोर है उसके ऊपर अलग अलग कंपनी के एप्लीकेशन है ना, जैसे टिकटॉक है, पेटीएम है, या फिर यूट्यूब है, फेसबुक है, अलग अलग एप्लीकेशन है उसके ऊपर। उसी तरह फेसबुक के ऊपर भी अलग अलग एप्लीकेशन था, फेसबुक के ऊपर बोलो, एप्पल के ऊपर। अब एप्पल ने क्या किया है, जो जो उसकी सेवा ले रहा है, उसके एप्लीकेशन स्टोर का जो जो सेवा ले रहा है, उसने क्या किया है, 30% जो है उनका इनकम काट दिया है। किसने? एप्पल ने। क्योंकि एप्पल का कहना है मेरा प्ले स्टोर इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, तो मैं 30% शेयर अभी काट दूंगा। अब ये क्या है, यूरोपियन यूनियन का बोलना है, ये तो उन पूरे नियम का जो है वो उल्लंघन किया गया है एप्पल के द्वारा, ऐसा नहीं कर सकती, इसीलिए इनके ऊपर जो है ये केस दायर किया गया है, ठीक है ना। अच्छा एप्पल के सीईओ कौन है, तो वो है आपके टीम कुक, एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने, 93वां ऑक्सर कब आयोजित किया जाएगा? अप्रैल के महीने में होने वाला था, इसको स्थगित, जून के महीने में, 15 जून से होने वाला था, इसको स्थगित कर दिया गया है। कब तक के लिए? अप्रैल 2021 के लिए, ऑप्शन नंबर आपका ए। अगला प्रश्न हमारे सामने, किस राष्ट्र के सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसले में एलजीबीटी समुदाय के खिलाफ कार्यस्थल भेदभाव को रोक दिया है? तो कहां पर? अमेरिका में। अब ये भैया एलजीबीटी कम्युनिटी क्या होता है, आप बोल सकते, इसको मैं कैसे समझाऊं, आप बोल सकते होमो, गे। अब देखो अब इतने ही बच्चे नहीं है कि खुलकर बोल नहीं सकते, ठीक है ना। अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारत का पहला गैस परंपरा मंच इंडियन गैस एक्सचेंज का शुभारंभ किसने किया है? तो पेट्रोलियम मंत्रालय के जो मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने किया है, ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला प्रश्न हमारे सामने, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2019 में दुनिया के शीर्ष FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्राप्तकर्ताओं में भारत किस स्थान पर रहा है? यानी FDI सबसे ज्यादा उसके देश में आया, उस मामले में सबसे ज्यादा यानी निवेश बाहर से उसके देश में आया, इस मामले में भारत का रैंक क्या है पूरे विश्व में? तो 9वां स्थान है। और टॉप पर कौन है? तो टॉप पर आपका अमेरिका है, दूसरे पर चीन है यानी कि चाइना है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस राज्य सरकार ने गोहत्या को रोकने के लिए अध्यादेश लाकर 10 साल की अधिकतम कैद की सजा सुनाई है? यानी अब गाय हत्या करते हैं तो आपको 10 साल तक की सजा हो सकती है, साथ ही साथ 5,00,000 तक का जुर्माना भी लग सकता है। यह अध्यादेश कहां पर लाया गया है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, और राजधानी आपका लखनऊ। अगला प्रश्न हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन गार्गो इंटरनेशनल का ब्रांड एम्बेसडर बन गया है? तो यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों बन गया भैया, क्योंकि इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं जो अभी बहुत चर्चा में रहे हैं, जो मजदूर को घर तक छोड़ने के लिए सोनू सूद को बनाया गया है। अच्छा भैया ये किस टाइप की कंपनी है? तो आप बोल सकते हो, आप देखे हो ना कभी मोबिल लगता है ना गाड़ी वगैरह में, उस टाइप की कंपनी है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, रूसी हाई जंपर का नाम बताना है जिसे डोपिंग अपराध पर 4 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी अलेक्जेंडर, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, मर्सर के 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार प्रवासियों के लिए सबसे महंगा भारतीय शहर कौन सा है? या प्रवासी वर्ड से ना मुझे बहुत दिक्कत है, इसका इस्तेमाल तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यार
हमारे भारत के नागरिक है ना, तो इसके लिए अब देखो यहां पर आज के डेट में क्या हो रहा है, हर राज्य राज्य से राज्य बटा हुआ है यार, एक एक देश में रहते हैं सबका, सब भारत के वासी है, तो प्रवासी इस्तेमाल कम से कम नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप देखोगे तो अगर मान लो अगर मैं कलकत्ता में रहता हूं, अगर मान लो मैं जा रहा हूं मुंबई में, तो सबसे ज्यादा अगर मैं प्लान कर रहा हूं तो सबसे ज्यादा महंगा शहर कौन सा है रहने के लिए, तो मुंबई ऑप्शन नंबर आपका सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी मुंबई है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किसे नागा अर्जुन सीमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है, तो वरुण तेज ऑप्शन नंबर बी तेलुगु एक्टर है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, रिपब्लिक ऑफ फिलीपींस के लिए भारत का अगला राजदूत कौन होगा, तो नाम बताना है, उनका नाम है शंभू एस कुमारन ऑप्शन नंबर सी। और आज का पहला प्रश्न आपका यहीं से निकल कर आ रहा है, फिलीपींस के राष्ट्रपति का नाम आपको कमेंट कर कर बताना है, और साथ ही साथ इस कंट्री का, इस राष्ट्र का मुद्रा और राजधानी ये भी आपको कमेंट कर कर बताना है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, मैं आपको समझा दे रहा हूं, फोटो में ही क्वेश्चन छुपा हुआ है, आप देख पा रहे हैं ना, यहां इंडियन टीम के कैप्टन विराट कोहली क्या कर रहे हैं, बॉल को चमका रहे हैं अपने थूक से। अब इस चीज को बैन कर दिया गया, अब क्रिकेट में यह चीज आपको देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगा, ठीक है। अब यह जो चीज बैन लगाया गया है जिस कमेटी के द्वारा, आपको पता है अगर कोई नया नियम लागू होता है क्रिकेट में तो उसके लिए पहले एक समिति का गठन होता है, तो यह नियम लागू करने के लिए भी एक समिति का गठन हुआ है। उस समिति के जो हेड है, जो प्रमुख है, उनका नाम क्या है, तो अनिल कुंबले ऑप्शन नंबर आपका डी, जिन्होंने भारत की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट लिया है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, दुरुस्त क्षेत्रों से गंभीर रोगियों को निकालने के लिए भारतीय वायुसेना द्वारा सम्मिलित स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित पोड का नाम बताना है। आप देख पा रहे हैं ना, एक टाइप का हेलीकॉप्टर पोड है, ठीक है, इसका नाम क्या दिया गया, इसका नाम है अर्पित ऑप्शन नंबर बी। अगर मान लो बहुत ऐसे इलाके में मरीज मिले हैं जहां पर जाना बहुत मुश्किल है, गाड़ी नहीं जा सकती, कुछ नहीं जा सकता, वहां पर ये पॉड पहुंचकर उस मरीज को निकालकर हॉस्पिटल तक पहुंचाएगा, ठीक। अगला प्रश्न हमारे सामने है, आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत घरेलू बांस के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए बांस के आयात पर लगाए गए सीमा शुल्क को 10% से बढ़ाकर 25% कर दिया गया है, ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, पश्चिमी भारत के लिए ब्रिटिश उप उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी एलन गैमिल, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, अंतरिक्ष में चलने और महासागर में सबसे गहरे स्थान तक पहुंचने वाले पहले अमेरिका महिला कौन बनी है, जिसे चैलेंजर डीप के नाम से भी जाना जाता है, तो उनका नाम क्या है, और क्वेश्चन काफी 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 इंपॉर्टेंट है, उनका नाम है कैथी सुलिवन ऑप्शन नंबर आपका डी, कैथी सुलिवन, ठीक है। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर 14 से 18 जून का, और 19 से 22 जून का करेंट अफेयर भी आपको आज ही शाम को अपडेट कर दिया जाएगा। साथ साथ ये भी बता दूं आप सभी को कि स्ट्रैटेजी वीडियो देखना मत भूलिएगा, कल मैंने अपलोड कर दिया है, चैनल पर मिल जाएगा। और हाँ, टेलीग्राम पर अगर आप जुड़े हैं ना, अगर आपके फोन में टेलीग्राम है तो सर्च बॉक्स में आप सर्च मारिएगा सक्सेस की 98, आपको एक ग्रुप मिल जाएगा, वहां पर आप ज्वाइन हो जाइएगा, आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन या पीडीएफ वहां पर शेयर कर दिया जाता है, ताकि आप डायरेक्टली जो है वो डाउनलोड कर पाओ, ठीक है ना। चलिए सर, सभी को हैप्पी गुड, बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, अपना ख्याल रखना और अपने साथ साथ अपने मम्मी और पापा का भी, ठीक है ना।